देवास शहर में वार्ड 21 गंगानगर के रहवासियों ने वार्ड की सड़क, पेयजल, नालियों में व्याप्त गंदगी, ड्रेनेज लाइन से गंदे पानी आना और अन्य समस्याओं को लेकर रहवासियों ने नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि रहवासियों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं सीवरेज लाइन का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। रहवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालने को लेकर नगर निगम के अधिकारियों से निवेदन किया है। बताइए, नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दे क्या करूँ? आज हमने नगर निगम के कमिश्नर साहब को जो ज्ञापन दिया है, आज वार्ड क्रमांक 21 जिसमें बजरंग नगर, अनिल श्रीनगर, ओम साई विहार, अनिल श्री महालक्ष्मी नगर, ये तमाम वार्ड आते हैं। और अभी तक इन वार्डों में पूर्व पार्षद द्वारा इन वार्डों में कुछ भी काम नहीं किया गया। और आज रोड की हालत इतनी, रोड और पानी, नाली का गंदा पानी घरों में जा रहा है, लोग पीने को बदतर हो रहे हैं बिल्कुल। मतलब उस पानी की कंडीशन ये है कि उस लाइन से उसमें घरों में जा रहा है। इसकी शिकायत पहले करी थी आपने? इसके शिकायत पहले दो बार हमने कर चुकी है, चक्कर जाम भी कर दिया है, आंदोलन भी कर दिया है। और आज हमने नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारा वार्ड में अगर विकास कार्य नहीं हुआ तो सभी रहवासी मिलकर इस वार्ड में हम चक्कर जाम या उग्र आंदोलन करेंगे। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।